स्टार्ट। तो आज हम एक, मैंने पहले भी वीडियो दिया था योगा वालों का, तो उनका पिकनिक थी इस्कॉन मंदिर आए हैं, पीछे मंदिर है और देखते हैं अंदर क्या क्या करेंगे। और इस साइड आप देखेंगे तो सारे लोग खड़े हुए हैं और सारी गाड़ियां आई हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए हैं। और ये एक योगा परिवार है, मैं योगा में नहीं जाती हूँ पर हाँ इनके साथ आ जाती हूँ, कौशल्या जी मेरी फ्रेंड है वो लेके आ जाती हैं। तो अंदर भजन कीर्तन डांस जो भी चलेगा वो सब दिखाऊंगी अभी मैं आपको। तो बस चलते हैं मंदिर। और इधर क्या सारे लोग आते जा रहे हैं और बस खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ ही सब अंदर जाएंगे तो वेट कर रहे हैं सभी का। और जो सामने खड़े हैं हम लोग उन्हीं की गाड़ी से आए हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ मैं तो। और काफी पार्किंग है सामने, एक मंदिर आओ तो एक एंजॉय करने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। और ये सारे लोग आते जा रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बनाती जा रही हूँ है। और सब आते से ही अपनी फोटो क्लिक कराने में लग गए हैं, चाहे भले ही तीसरे दिन वो डिलीट मारनी पड़े मोबाइल में से। हाँ यही तो हमारे योगा का क्रेज है। और सब आपस में गले मिल रहे हैं। देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, सारी उम्र के लोग हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। नजरी पार्क चली, नजरी पार्क चली। सब लोग आओ, सब लोग आ जाओ। चलिए आपको कौशल्या जी से मिलाती हूँ, कौशल्या जी हैं, इन्हीं के साथ आई हूँ मैं। और ये मीनू है, फ्रेंड है और पड़ोसी भी है। और ये मीनू की बेटी है ना? पड़ोसी मैं भी हूँ। आप पड़ोसी भी हो, फ्रेंड भी हो और मुझे साथ लेके चलते हो हर जगह, जैसे मेरी ये वीडियो बन जाती है ना, और घूमना भी हो जाता है। और ये मतलब हर रोज जाते हैं योगा, मैं योगा नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं सोने में बहुत माहिर हूँ और सोने की आदत मेरी नहीं छूटती है, तो इस चक्कर में योगा तो नहीं जा पाती। पर हाँ इनके साथ इंजॉय करने आ जाती, रोज जाती हूँ, कोई दिन मिस नहीं करती भाई। बहुत ही बढ़िया चीज है ये तो, पता नहीं हम कब ऐसे होंगे कि जल्दी जगेंगे और योगा जाएंगे। और देखो सबको बहुत शौक है, सब लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, भाई हम भी आ गए, हम भी आ गए, हम भी आ गए। तो ये चीज होनी चाहिए, सब में ही होनी चाहिए, किसी में एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और ये दो साइड से सीढ़ियां बनी है, उधर से भी बनी है, इधर से भी बनी है। और इधर ये रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अभी क्या है, सारे लोग चाय पे आ गए हैं और अंदर कोई नहीं गया है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मेरे से किसी ने, जो मेरी वीडियो बना रहे हैं उनको दिखाऊंगी अभी, उन्होंने बोला कि कोई दर्शन के लिए नहीं गया है, सारे लोग चाय के लिए आ गए हैं। तो मैंने बोला कि भाई वजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला, तो पहले खाएंगे चाय पियेंगे फिर दर्शन करेंगे। तो यही मेरी वीडियो बना रहे हैं गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला, बिल्कुल। तो सारे के फिर हम भजन करेंगे, फिर भजन करेंगे। तो मैंने सच्चाई बता दी है, सारे लोग चाय पानी के लिए बैठ गए हैं और किसी ने अभी दर्शन नहीं किए, आए दर्शन करने हैं, आए दर्शन करने हैं, दर्शन किसी ने नहीं किए हैं, है ना? बोलो पिछली बार तुमने अच्छा वीडियो डाला। ये सारे चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय आने वाली है और क्या आएगा, क्योंकि मैं इनके ग्रुप में पहली बार आई हूँ। पकौड़ा आएगा, मतलब हमने पकौड़े के चक्कर में भगवान जी को छोड़ दिया है ना।
भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कोई दर्शन करके नहीं आया ना अभी? अच्छा अच्छा, ये बताओ आप लोगों ने दर्शन किए क्या? और इधर पकोड़े आ गए हैं और बस लेती हूँ, नहीं तो मैं रह जाऊंगी। पकोड़े खा रहे हो ना? बस छोटी सी वीडियो बना लूँ आप लोगों की पकोड़े खाते हुए, उसके बाद मैं भी लेती हूँ। दर्शन कौन कौन करके आया है ये बताओ पहले, खाने से पहले। दर्शन किस किस ने किए हैं खाने से पहले, सच सच बताइए। दर्शन किस किस ने किए खाने से पहले? मैं भी पकौड़े खा रही हूँ, चाय ले रही हूँ, और अब भी किसी से वीडियो के लिए नहीं बोल सकती। सारे लोग चाय पीने में बिजी हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, खुद की वीडियो खुद ही ले लेती हूँ। बस बहुत वीडियो बनानी है, अभी आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। कई लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हैं। ये ममता है, उसके बच्चे हैं। बस सबका नाश्ता हो गया है और सब वापस जा रहे हैं और अब दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद कीर्तन वीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद ही लेंगे। चलिए जी, और ये गेट है, बहुत बड़ा गेट है मंदिर का, और अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो अंदर से भी मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, ये ग्लास पेंटिंग है, ये भी काफ़ी सुंदर है। और थोड़ी पास से बताती हूँ आपको, और ये अंदर घुसते से ही तो गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब भगवान को देखते हुए है, और ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल साक्षात बैठे हुए हैं। और ये सजावट हुई है, देखिए झूला है और बहुत सुंदर सा झूला बना हुआ है ये। और सभी लोग अभी आके बैठ गए हैं, कोई गॉसिप कर रहा है क्योंकि भगवान जी का भोग लग रहा है, तो पर्दा बंद हो गया है अभी, और उसके बाद शायद कीर्तन होगा यहाँ। और सब लोग बोल रहे हैं मेरे से, भाई हमारा भी डाल देना, तो बड़ी खुश होके खिंचा रहे हैं। कई लोग नहीं खिंचवाते हैं, पर ये लोग अच्छे से बना रहे हैं वीडियो, फोटो भी। और इधर भगवान जी का श्रृंगार के फूलमाला है, तो ये लोग फूलमाला बना रहे हैं सारे लोग। और फूल तो देखने में ही वाकई में सुंदर लगते हैं, और जब भगवान जी पहन लेते हैं तो भगवान जी भी और सुंदर लगने लगते हैं। आप लोग यहीं रहते हो क्या? अच्छा, मंदिर की सेवा में ही रहते हो? ओ, तो घर भी पास में ही है आप लोगों के? मतलब सारे लोग यहीं हो तो मंदिर की और भी सेवा करते हो क्या, कि बस माला ही बनाते हो? हम लोग माला बनाते हैं। हम्म, क्यूट से लग रहे हो आप, एक बार देखो इधर, क्या नाम है? पिया। बहुत अच्छी स्माइल है भाई, देख ही नहीं रहे, ऊपर ही नहीं देख रहे, है ना, स्माइल आ जाएगी। अच्छा, इस मंदिर का एक रूल है कि यहाँ बस कृष्ण भजन चलेंगे, और कोई भी कृष्ण भजन चलेंगे और कोई भी भजन नहीं चलेंगे। तो अभी भगवान जी का भोग लग रहा है, तो पर्दा डला हुआ है, पट बंद है, उसके बाद फिर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं।
आरती हो रही है भगवान जी की, भोग के बाद आरती होती है। अच्छा, शमति नंदन ब्रज वरण कीर्तन खत्म हो गया है और इसके बाद हम प्रसाद ही लेंगे, फिर वापस जाएंगे। बस कीर्तन के बाद में अब क्या हो रहा है, ये ग्रुप फोटो हो रही है जो योगा क्लास, जो योगा परिवार है, ये एक परिवार की तरह रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इनका एक भी दिन गैप नहीं करते, सारे लोग योगा करते हैं। ऐसा लगा भैया आप ममता के साथ आए, ममता के लिए तो शर्मा, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ, अरे तो ममता के लिए आए हो ना आप, थोड़ी आ रहे थे, ममता लेके आई है ना आपको, ये तो बात है ना। अच्छा, और ये मंदिर के जस्ट सामने फ्लैट बने हुए हैं, शायद खाली हैं, कुछ में लोग हैं, लेकिन बहुत शांति है यहाँ। और आपको थोड़ा सा ये मंदिर का मेन गेट दिखाती हूँ, ऊपर है, सीढ़ियों के ऊपर है हम लोग, इस टाइप से है ये। और बस अब हम प्रसाद ही लेंगे, उसके बाद घर वापस जाएंगे। आज हम योगा परिवार के साथ आए थे, जो भैया ये भी हैं, आप भी योगा परिवार से ही हो ना? अजी आप हमारे योगा, हम तो योगा परिवार से ही हैं। हम लोग आपने शामिल हो गए तो मुझे भी लेके आए लोग, तो बहुत अच्छा लगा के अंदर के दर्शन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कीर्तन था। और अभी क्या आप देखो, ये टीका लगाए हैं, बड़ा सुंदर सा सभी लोगों ने लगाया है और बड़े सुंदर लग रहे हैं सारे लोग। बहुत अच्छा लगा हमें मंदिर में आके, अच्छा लगा ना मंदिर में आके।
तो ये मिठाई दे रहे हैं, मैं मिठाई ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ सभी से। ये लेट हो रहे हैं, शादी का टाइम हो गया, सभी लोग बोल रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ, तो जा रहे हैं। बाकी का मैं योगा ग्रुप के साथ आई थी, अभी मैंने पूरी वीडियो बनाई, शायद वो बन नहीं पाई, दोबारा बना रही हूँ। योगा परिवार के साथ आई थी, कौशल्या जी मुझे लेके आई थी, पहले मैं मना कर रही थी कि नहीं जाऊंगी, टाइम नहीं है, वो बोली चलो तुम्हारी वीडियो भी बन जाएगी, तो मुझे लगा मेरी वीडियो बन जाएगी, और सच में ही अब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ और सबने बहुत इंजॉय किया। और मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं लोगों के साथ, मतलब पहली बार क्या दूसरी बार आई हूँ, एक बार और आई थी दिवाली पे, वीडियो डाली थी लोगों के साथ मैंने, और जगह बहुत अच्छी है, ये इस्कॉन मंदिर है, तो आप जब भी यहाँ आ सकते हो, मंदिर भी अच्छा है और जगह बहुत शांति है यहाँ, और यहाँ रेस्टोरेंट भी है, तो आप चाय नाश्ता भी ले सकते हो। तो बस अभी हम प्रसादी लेने जा रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं मैं, तो ये भैया मुझे मिल गए थे, तो मैंने बोला भैया मेरी वीडियो बना दीजिए। तो कहाँ से आए हैं? श्री कृष्णा, मैं वृंदावन वाले इस्कॉन मंदिर से इंस्पायर होके फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, जयपुर ही रहता हूँ मैं। ओ तो आप वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा। आप कृष्ण भक्त हो? बिल्कुल मैम। चलिए, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू। ये 100 लोगों के करीब हैं, हम लोग 100 लोग होंगे, और सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं खाने के लिए, जो शादी लेनी है, और कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ले चुके हैं, लंबी लाइन है, तो मैं भी पीछे लगी हूँ। चलिए, तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं, बाय 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 बाय।